गाइस कैसे हो आप सब। आई होप कि भाई अच्छे होंगे। तो गाइस कल के वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई गेम खेलने से बैक स्किन हो जा रहा है, जब भी हम गेम निकालते हैं तो बैक स्किन हो जा रहा है, ब्लैक हो जा रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो देखो गाइस आज फिर से एक नया अपडेट आ गया है बस सुनने तो इंडोनेशिया में, जो कि है 4.0.1, जिसमें थोड़ा सा गेम को ऑप्टिमाइज और बग फिक्स किया गया है। आई होप कि जिस लोगों का भी बग हो रहा है तो वो लोग अपडेट कर ले, जिस लोगों का नहीं हो रहा है वो लोग नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, जिस लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग अपडेट कर ले गेम को, तभी आई होप थोड़ा सा मतलब बेहतर हो जाए गेम खेलने में, बैक स्क्रीन प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है। तो ये शायद डिवाइस के ऊपर निर्भर करेगा मेरा मतलब। तो मैं तो सीधा सीधा बताता हूँ, मेरे को कोई बग देखने को नहीं मिला, क्योंकि डिवाइस का रैम थोड़ा सा ज़्यादा है मेरा, इसीलिए भी हो सकता है, तो मुझे पता नहीं इसीलिए भी हो सकता है, शायद लो एंड डिवाइस में थोड़ा सा तो बग दिखेगा ही गाइस, और लैग होने वाला है क्योंकि अपडेट में बहुत साइज बड़ा हो चुका है गेम का। तो फिर भी आप लोग अपडेट देके देखना 4.0.1 वाला, शायद क्या पता बग फिक्स भी हो सकता है। तो पिछले वीडियो में मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया, आज डिटेल में बताऊंगा क्या क्या नया अपडेट आया था। स्लो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह अपडेट भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा, व्हीकल डार्टनेस एंड वॉशिंग सिस्टम। अभी आप लोग ऑफ रोडिंग करोगे तो बहुत ही गाड़ी गंदा होने वाला है, बहुत ही बुरी तरीके से, ये देख सकते हो मेरा गाड़ी कितना गंदा हो चुका है, और ढोल भी उठा है जो भी देखने में एकदम रियलिस्टिक लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये वाला अपडेट, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। किस किस को अच्छा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अभी गंदा होने के बाद हम लोग गाड़ी को वॉश भी कराएंगे, वॉश कैसे कराना है ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दूँगा। तो दोनों साइड में आप लोग वॉश करवा सकते हो, एक में ऑटोमेटिक होगा एक में मैनुअल होगा। इसमें हम लोग घुसाते हैं, पहले आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसमें फ्री भी कर सकते हो और पैसे दे के भी, अपन तो पैसे दे के ही करेगा, आप लोगों को दिखाएगा, इसलिए पैसे देकर कर रहा हूँ, नहीं तो फ्री में कर लेता। तो फिर चलो इसको दिखाते हैं। हाँ ये मैनुअली करना पड़ेगा आपको, जो कि देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन टाइम बहुत जाएगा इसमें आपका, गंदा तो थोड़ा थोड़ा सा साइड हो जाता है, मतलब साफ़ हो जाता है गाड़ी, तो टाइम बहुत लगेगा इसमें, देखो आप लोग बहुत टाइम लगेगा इसमें। इससे अच्छा है कि आप लोग ऑटोमेटिक ही करो, इसमें भी पैसा देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक में भी पैसा देना पड़ेगा। तो अभी चलो ऑटोमेटिक को दिखाते हैं कैसे होता है। तो अभी हम लोग बस को ऑटोमेटिक के यहाँ पे जो ग्रीन हो रहा है यहाँ पे घुसाएंगे बस को, उसके बाद हम लोग को एड देखना पड़ेगा, या तो पैसा दे सकते हो, पैसा दे के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले पार्क कराना पड़ेगा गाड़ी को ठीक से, हाँ यहाँ पे लाके, हाँ यहाँ पे पार्क हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे कैसे होता है, ये पैसा भी पे कर दिया है अपन लोगों ने। अभी यहाँ पे एक गाड़ी आगे खुद आएगा, मतलब खुद आ रहा है गाड़ी आगे, और ये देखो वॉश होके आ रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग ऑटोमेटिक में ही करना, वहाँ पर टाइम ही नुकसान होता है। देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी धो चुका है, पूरा गंदगी गायब हो चुका है। तो आप लोग इसी में करना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये मैंने थोक दिया था गाड़ी, इसीलिए ऐसा हो रहा है, डैमेज हो गया है गाड़ी। अब इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी देख सकते हो मेरे गाड़ी का हालत पूरा टूट चुका है, मतलब बहुत डैमेज हो चुका है, अपन ने बहुत थोक दिया गाड़ी को, एक्सीडेंट कर दिया। अभी यहाँ पर आप लोगों को मैप में दिख जाएगा ऐसा गैरेज, इसमें गैरेज में आकर ग्रीन वाले एरिया में आ जाना आप लोग, यहाँ पे शो होगा कितना आपका व्हीकल डैमेज हुआ है, कितना खर्चा आने वाला है। तो रिपेयर ऑप्शन में क्लिक करके रिपेयर यहाँ पे भी हो जाएगा। और एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, वैसे भी आप लोग रिपेयर करवा सकते हो, यहाँ भी रिपेयर करवा सकते हो, मैप में ढूंढने की तभी ज़रूरत नहीं, एक और है सिस्टम जो कि आप लोग रिपेयर करवा सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को होम स्क्रीन में आ जाना है, गैरेज वाले ऑप्शन में क्लिक करके ऊपर देख रहा होगा आप लोग जहाँ पे रिपेयर लगाते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो चुका है, वहाँ पे क्लिक करके नीचे पे रिपेयर देख सकते हो, वहाँ पे रिपेयर, अगर रिपेयर में आप लोग क्लिक करके यहाँ से भी रिपेयर करवा सकते हो बहुत ही आसानी से, मैप में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी रिपेयर करवा सकते हो। और ये मैप का अपडेट तो दे ही दिया था मैंने आप लोगों को, मैप आप लोग अपने हिसाब से डाउनलोड करके खेल सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है, स्टोरेज बसेगा आप लोगों का, जो भी मन जाए वो ही आप करो, डाउनलोड करके खेलो। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।